तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि माइकल क्रीजो को इंजरी हो गई है शोल्डर में, और अभी सर्जरी करवा के आ रहे हैं और अभी इनकी थेरेपी चल रही है, थेरेपी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज वगैरह करवा रहे हैं, तो अभी हीलिंग प्रोसेस में है। और 16 अगस्त तक ही वॉज फाइन, वर्कआउट कर रहे थे, बाइसेप्स के स्ट्रोइंग सारी एक्सरसाइज कर रहे थे। हम लोगों ने देखा इनको रूबियन के साथ भी ट्रेन करते हुए, बट सडनली हो गया। शायद इन्होंने अभी प्रो शो भी खेलना था, शायद मिस्टर ओलंपिया में क्वालिफाई करते, बट स्टिल हो गया। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि अनिक वॉकर का हो गया था हैमस्ट्रिंग्स में, तो वो लड़ नहीं पाए थे और उनको छोड़ना पड़ा था, बट इस बार अभी निक वॉकर ठीक लग रहे हैं। और अभी फिलहाल माइकल क्रीजो को ये दिक्कत आ गई है, और अब मेरे को नहीं लगता है कि इतनी जल्दी रिकवरी होगी, और रिकवरी में टाइम लगने वाला है काफ़ी ज़्यादा, और अभी काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है। फिर देखते हैं आगे कौन सा ये शो कम्पीट करेंगे, खेलेंगे। फिलहाल जैसा कि हमने निक वॉकर को देखा था, उनको काफ़ी टाइम लग गया था, वो शेयर कर रहे थे हमारे साथ थेरेपी, और ऐसा ही अभी माइकल क्रीजो के साथ हो रहा है। और किसी भी एथलीट के लिए यार ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात होती है कि कंपटीशन का प्रेप कर रहे हो और सडनली आपको इंजरी हो जाए, और इतनी मेहनत और इतना पैसा खराब हो जाए आपका। पैसा तो चलो छोड़ो, जो मेहनत करी है वो खराब होती है, उसका बहुत अफसोस ज़रूर होता है। और अभी फिलहाल हम लोगों ने पोस्ट वगैरह में देखा कि काफ़ी खुश लग रहे थे, बट रियल में फील तो हो रहा होगा उनको। और अभी देखते हैं कि कौन से कॉन्टेस्ट का प्रेप करते हैं, अभी फिलहाल तो इंजरी से अभी रिकवरी मोड पे हैं, और हम लोगों ने देखा इनका फिजियोथेरेपिस्ट मोटिवेट कर रहा है, और इनकी रिकवरी आई होप कि जल्दी हो, और जल्दी हम इनको स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देखें।